तो भाई फाइनली भाई अपने स्काई शॉट की पेटी डन करवा दी है। बॉल डैंगल से 5 पेटी 30 वाली डन करवाई है और 1 पेटी क्या नाम है 12 वाली। एक ना सीन हो गया यार थोड़ा सा अभी। एक ये गोल्डन वाली घड़ी है ना मेरे पास, मेरे पे एक VVS की घड़ी थी ना, ये मैंने कल पर रखी थी वाइट वाली, मेरी डायमंड जिसमें नक्शे हैं छोटे छोटे वो। यार कल पता क्या, कल थोड़ा कलेश हो गया था, लड़ाई झगड़ा, तो मैंने ना दीदी को पकड़ा दी थी वो, जब मैं मेट्रो वहाँ से आया था रेलवे स्टेशन से, वो घड़ी नहीं मिलती यार। एक दो तीन चार पाँच बंदे आ गए सफर में, इको से बुरी हालत है, खोलो आराम से। हेलो गाइस, माय नेम इज अमन एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ सारे जने ठीक होंगे, तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया और सब बढ़िया मजे में मजे ले रहे हैं भाई शादी ब्याह के, है ना, काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई शादी ब्याह का माहौल है। ठीक है, अभी भाई सो होके उठ चुका था मैं, काफ़ी देर पहले उठ गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी जल्दी उठ जाते हैं, तो पता गाँव में तो अपने आप नींद खुल जाती है। टाइम मैं आपको बताऊँ, टाइम करेक्ट 11 हो रहा है, मैं उठ गया था 9 बजे उठा था मैं, 8:40 9 बजे थे कुछ। ठीक है, तो अभी मैं छोटी वाली मामी के घर पर हूँ और प्रोग्राम है बड़ी वाली मामी के यहाँ, मतलब उनकी लड़की की शादी है। तो आपको सीन बताता हूँ पूरा, सीन क्या क्या आया आज का। सीन ये है कि आज है आकाश भाई की बहन की शादी और मामे की लड़की की आज है हल्दी। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ नहाने के लिए, मैंने अपने कपड़े कपड़े प्रेस करे, तुम्हारा भाई ने पहली बार दूसरी बार कपड़े कपड़े प्रेस करेंगे अपनी। अब मैं ना कन्फ्यूजन दो शर्ट में से कि नौ शर्ट में से, ये वाइन कलर में से और ये चेक वाली में से कौन सी शर्ट पहनूं, और पैंट मैं वही पहन रहा हूँ ब्लैक वाली, मैंने कल पहनी थी, है ना, क्योंकि मेरे पास एक वाइट जैपनीज एक ब्राउन, तो वो ब्याह में देखेंगे आज एक, क्योंकि कल की बारात है उसमें सोचेंगे क्या पहनना है, और आज की आकाश भाई की बहन की शादी है तो उसमें सोचेंगे क्या पहनना है। फिलहाल तो इन दोनों से कुछ पहनूंगा मैं, अभी टाइम 11 हो गया, मैंने कपड़े कपड़े प्रेस कर लिए, अब जाऊँगा नहाने के लिए। ये अपना भाई सन्नी आ गया, भाई तू क्या पहन रहा है, इसे तो मार्केट जाना कुछ सामान लेके आना, तू क्या पहन रहा है। अभी कुछ नहीं पता, सब बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं शादी ब्याह के मैटर में भाई, कि क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, है ना, तो देखते हैं कि क्या रहता है, कौन क्या क्या पहनता है। बाकी मार्केट जाना है, थोड़ा काम है, वो बम भी लेके आने थे, वो स्काई शॉट वगैरह वगैरह, तो नहाने के बाद करेंगे वो काम, और हल्दी का प्रोग्राम शायद 1-2 बजे से स्टार्ट हो, क्योंकि भाई भी ना अभी वहाँ गए हल्दी वो लेने गए, शेरवानी लेने गए अलीगढ़, कल की शादी है, शेरवानी आ जा रही है, उसको तो फिटिंग विटिंग नहीं आई है, कुछ नहीं आया तो वही तो रह जाएंगे यार ऐसी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल पहले नहा लेते हैं, उसके बाद अपने कपड़े पहनते हैं, फिर फ्री हो जाते हैं नहा के, फिर नहाने की टेंशन नहीं रहेगी। और मेरे को कल वाला ब्लॉग अभी एडिट करना है, तो वो भी मैं अभी एडिट करूँगा, उसके बाद अपलोड भी लगा दूँगा, जब तक ये नहा रहा है, जब तक मैं थोड़ा ब्लॉग का काम कर लूँ है, जो भी होता है बाकी बताता हूँ, तो मैं के सिस्टम में पूरा ब्लॉग देखना। तो भाई अपना फाइनली अपना मैंने ब्लॉग एडिट कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया है, टाइम 3:30 पता नहीं कितने बज गए यार, मैं तो सो गया था, आलस ही आलस सारा ज़िंदगी में, भाई की हल्दी हो रही है वहाँ, मैं यहाँ सो रहा हूँ, अभी जाऊँगा भाई नहाने गया हूँ, बस पानी अपना गर्म हो रहा है, यहाँ का पानी बहुत ठंडा है भाई, तो पानी अपना गर्म हो रहा है, और भाई का वो काम भी करना, भाई अपनी शेर विरवानी तो लिया कह रहे थे लेकर, चल मैं गया नहीं उनके, अपने भाई आप जाओ, मैं तो आलस में फैला पड़ा हूँ, जा रहा हूँ नहाने, कपड़े कपड़े लत्ते प्रेस व्रेस हैं, पहले कर लिया तो मैंने, कल मुझे पता था लाइट का कोई भरोसा नहीं, मैंने इसलिए पहले कर लिए, पानी गर्म हो रहा है, नहाने जा रहा हूँ, उसके बाद क्या काम है अपने आपको, साइड वैसे मेरे को कहीं जाना तो है नहीं, बट मेरे को एक शर्ट है ना, मैं एक शर्ट लेके, किसका फ़ोन आ रहा है यार, फ़ोन आ रहा है किसी का, एक शर्ट है वो मैं लेके आया था ना, तो पॉकेट नॉर्मल मतलब यहाँ होती है ना जैसे, तो उसकी ना पॉकेट ज़्यादा नीचे इधर साइड है, तो या तो वो पॉकेट पूरी रिमूव करवा दूंगा, अगर वो रिमूव नहीं होके मतलब वहाँ से हटके ऊपर आ जाए, मतलब यहाँ से हटा के वो ऊपर लगा दे, तो ये काम भी बढ़िया हो जाएगा, वही देखते हैं बाकी क्या होगा क्या नहीं, या तो रिमूव ही करवा दूंगा, नहीं होगा तो मैं हूँ बस अकेला, बंद कर देना, तो बंद तो कर दो उसे, बटन दबाना बस, एक बटन कहां से दबाएगा, पानी में आग लगी जा दे, आ रहा हूं मैं अपने लिए लगाया था, चलो भाई मैं नहा लूं, हैं थैंक यू। तो जी भाई नहावा के साइड अपना बढ़िया, हां जी चल रही है, तो भाई अपना नहावा के साइड और जा रहे हैं। अरे वो मिला क्या सन्नी? अरे यार ये सन्नी मेरी एक तो चप्पल पैर गया भाई, अभी बम वाला काम करने जा रहे हैं, बम लेके आना है,
और हल्दी हो रही है घर पे, देखते हैं क्या सिस्टम है। नहावा तो लिए घर छोटा हमें तो इतनी चीनी की शादी में फोड़ सके फैक्ट्री बना। क्यों भाई शैलेश भाई, तो जा रहे हैं बाकी अपना ना एक गिलास इधर साइड, तो पसंद करते हैं क्या स्काई शूट है और देखते हैं क्या डिजाइन फोड़ते भी हैं। कुछ कुछ मस्ती है बस चढ़ते हैं, पसंद करते हैं और फिर लेते हैं और फिर बनाएंगे दिवाली आज और कल दिखाते हैं। आप आज ना फोड़ोगे जमीन पर रखे ना फोड़ी। तो भाई फाइनली भाई अपने स्काई शॉट की पेटी डन करवा दी है। बॉल एंगल से 5 पेटी 30 वाली डन करवाई हैं और एक पेटी जाना में 12 वाली और 5-5 वाले वो सिंगल फायर होते हैं वो एक पेटी मिल पाई। और ये संभव करवाए हमारे चलो डिस्काउंट दिलवा के भाई ने, तो अभी वो आ रहे हैं 10-15 मिनट की कह रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि अलीगढ़ से लेकेंगे, फिर 10-15 मिनट लेकर आ रहे हैं। सब कपड़ा बिगाने वाली की बात है, बस झूठे झूठे लोग बहुत पड़े भाई दुनिया में, सोच रहेंगे कि लेने नहीं आएंगे कैसे भी। और भाई आज आकाश भाई की बहन की शादी है, मैंने बताया था तो उनका ना गेस्ट हाउस यहीं पर है पास में ही, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार होके आ जाऊँ वहाँ पर, क्योंकि उसको फ़ोन आ रहा था मैं गई नहीं सुबह से आलसी की तरफ पड़ा हूँ, टाइम पता नहीं क्या हो रहा। बाकी एक बार अपनी पेटी आ जाए तो स्कूटी से आए थे हम, बाकी चलेंगे लेके घर घर रखेंगे एक पेटी दो, बाकी देखते हैं कल का कैसा होता है क्या नहीं, जैसा भी होता बताते हैं ना। तो भाई फाइनली भाई रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं भाई रिसेप्शन के लिए, आकाश भाई की बहन की रिसेप्शन के लिए सपना दी के, ठीक है। तो अभी भैया भी आ गए हैं दिल्ली से, भैया के साथ दिशांत भाई भी आए हैं, तो मैं हम जा रहे हैं अभी, बंदे ज़्यादा हैं ना तो दोबारा आना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर, यहाँ पर है थोड़ा दूर है एक क्लास में ही है ओम कुछ करके, ओम सेलिब्रेशन करके कुछ है, तो दोबारा आना पड़ेगा। तो मैं अंशु कुन्नू दिशांत भाई और मामा का लड़का बाबू छोटा बड़ा और बब्बू भाई जा रहे हैं सब, इसी सब पर करो। तो ये सौदा भाई, बाकी जाके देखते हैं क्या सिस्टम है क्या नहीं। और बाकी कल की बारात है पंकज भाई की, आज उनकी हल्दी थी तो मम्मी अम्मी भी जा रही हैं, वो दोबारा आना पड़ेगा मेरे को उनको लेने के लिए, चाचा जी को भी लेने के लिए। गाने चलेंगे ठीक है, तो भाई जो भी है जैसा भी अपना दिखा दे सिस्टम, चलते हैं देखते हैं क्या क्या मैटर है क्या क्या नहीं है, वहीं देखेंगे बाकी। तो भाई एक ना सीन हो गया यार थोड़ा सा, अभी एक ये गोल्डन वाली घड़ी है ना मेरे पास, मेरे पे एक VVS की घड़ी थी ना, ये मैंने कल पर रखी थी वाइट वाली मेरी डायमंड जिसमें नक्शे हैं छोटे छोटे, वो यार कल पता क्या कल थोड़ा कलेस हो गया था लड़ाई झगड़ा, तो मैंने ना दीदी को पकड़ा दी थी वो जब मैं मेट्रो वहाँ से आया था रेलवे स्टेशन से, वो घड़ी नहीं मिलती यार, तो ये पैर रखी है। बात ये नहीं कि वो मिल नहीं रही, मम्मी कह रही कि मैंने तेरे बैग में रखी थी सुबह, अब मैंने बैग देख लिया पूरा, वो घड़ी नहीं मिलती भाई यार, मूड खराब हो जाएगा वो घड़ी नहीं मिली, तो बहुत प्यारी घड़ी थी भाई। बुला लो दोबारा, क्या बोलूं कौन कौन जा रहा है, मैं बुला लाऊं दिमाग तो वैसे खराब है। तो भाई अभी तो राजे की तरह बैठे पड़े थे गाड़ी में, ओए कार को सरकार ने तो थोड़ा नहीं हो सकता, अरे क्या हो रहा है भाई, क्या अभी इधर चेक कर ले बस, अरे बात इतनी ही होगी ना, एडजस्ट हो रहे हैं भाई, 9 बंदे इस बलेनो में, 5 है ऊपर वाली ऊपर ये उठा पर मेरा सारा ड्राइवर एक मिनट भरे जा रहा है, उठा छोड़ दे ना बाबू, आ गया बाबू, आ गया आगे का आगे इसको आगे आगे का, एक तो इसमें डैशबोर्ड में मेरे पैर अटक गए हैं बस, ठीक है अमन भाई दब गए, अरे भाई देखो मैं बहुत, अरे इस छोटे से को भेजो, मनी को भेजो आगे, मेरे डैशबोर्ड में पैर अटक रहा है, मेरा सारी समय अटक रहा है, मनी तो आ गया, मनी आ गया भाई, 5 सीटर में 9 बंदे बैठने की एडजस्ट कर रहे हैं, वो भी हैवी, वो तो हम 3 पतले से हम आगे आ गए, अब दिक्कत ये है कि मेरा सर इसमें अट रहा है और पैर मेरे इसमें अट रहे हैं डैशबोर्ड में, अभी तो राजा की तरह बैठा था गाड़ी अकेले इस ड्राइविंग सीट में, बाद में पता चलेंगे यूं और गहरा राम साधेंगे, अरे अच्छा सन्नी आ जाएगा, आ जाएगा सन्नी, इसकी छोटी है, इसकी भेज जाए ना, कर्तन छोटी है वही छोटा है पूरा।
पूरा मामला छोटा है इसका, इसका तो पूरा ही मामला छोटा है। इज्जत से नाम लियो मेरो मन्नी, इज्जत से तो नाम लिया तेरा। आगे तो यो ये देखो, ये छोटा साइड का ही आगे आ जाएगा। किनकिट भाई एडजस्ट करो भाई को, भाई ये आ तो गया था, एडजस्ट करो भाई को। भाई एडजस्ट क्या, भाई मैं तुम्हें खाने के लिए बोल रहा, एडजस्ट के लिए बोल रहा हूँ। इधर ही आना पड़ेगा भाई। भाई मेरा फिर इसमें सर अटेगा, फिर मेरे उसमें उड़ेंगे। अब तुम्हारी भी तो हाइट है, तुम्हारा भी गलती नहीं है। मैं 6'1" ओनली 6 भाई, ओनली 6'1" मैं 6'1 का नहीं भाई, मैं 6 फीट का हूं। फिर अटेगा तो उसमें सर। रमन भाई, हां जी भाई, बुलेट से सही रहता। अरे यार घर वाले मना कर रहे हैं रात में जाने के लिए, मैं बुलेट से लेता हूं। मैं लेके चलूं क्या बुलेट? बाद ले जाने के लिए मना कर रहे हैं घर वाले, जाने से मना कर रहे हैं बाइक से। एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, ठीक है बाबा, ठीक है ठीक है, बस बन गई इसको। सीधा खोलो करने का, मत कितना अबे रहने दे, चलो उंगली भी है वो, उंगली मार दे थोड़ा सा आगे पीछे होगा मार दे। अरे यार आज आदमी की तरह ही बैठे हम, ड्राइवर लेनो को इसको बना दिया आएगा। ड्राइवर है भाई, बंदे आ गए हैं, 1 2 3 4 5 बंदे आ गए हैं। निशान भाई को इंक्लूड करके, जितनी पूरी गाड़ी में बैठे वो आगे बैठे, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब रोल्स रॉयस में हम ही जा रहे हैं और अकेले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत खुल के जा रहे हैं। आगे दिखाना, आगे सीन दिखाओ, आगे का सीन तो गंभीर है भाई साहब। तो ये देख तो खिलाड़ी कितना बढ़ाऊंगा मैं, बंदे भी पता ही नहीं। अरे नहीं, उस दिन जिस दिन दिल्ली आ रहे थे भाई, सामान भी ऐसा भर दिया था ना, यकीन नहीं था बब्बू भाई इन चीजों में तो खिलाड़ी है, बंदे और सामान भरते हैं गाड़ी के मामले में। बता के वही खिलाड़ी स्कूल के बच्चे बहुत लोड कर रहे हैं ना, पहले मेरे जॉब से दारू भी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। और ऐसे उतर के चलना जैसे किस गाड़ी से आ रहा, वो गाड़ी पीछे रहेगी अभी आ रही है। पन्नी लगा दिया, पन्नी लगा दिया, कुछ दिखे ना भैया, पैडल लगाने की मैटर खराब हो जाएगा। अगर गए ना फिर बाहर नहीं, अंदर नहीं आओ, बुरा हाल है भाई, ईगो से ज्यादा बुरा हाल है। गरीब तो हमने देखी है, हम क्या नाम है, एयर जेट में अपना बड्डी बनाया करते थे, गरीबी तो हमने देखी है। मुझे तैयार है ना भाई, दीदी को लेना आना दोबारा भी। अरे पेट्रोल लगवा रहे हैं उसके बाद चलते हैं। बाबू जी कहाँ चले बताओ, मनाली चल रहे हैं, मनाली चले। खुश हो जाएंगे ऐसे मनाली के ट्रिप में, बड़े खुशी खुशी जाएंगे। गाड़ी लेके आप जाओगे, ठीक है, क्या नाम है उसका, ठीक है। तो भाई उधर गए गाड़ी से, और ये वाला है भाई होम सेलिब्रेशन में आवे गया भैया, और ये है लेकिन ये नहीं है। अब उसकी जरा जो भरे गए थे वो बाहर आ चुके हैं सभी भाई, सिचुएशन थोड़ा ऐसे ही मेंटर है, ये अलग ही नशे में नाश्ता है, इसका अलग ही, इसकी अलग ही तीन दुनिया है भाई, अपनी अलग ही ठसन है वो वाला इसको। ये अपने दिशांत भाई, दिशांत भाई कैसा रहा सफर, यो आप इसे रोल्स रॉयस महंगी गाड़ी में बैठा के लाए आपको, ब्लॉग में पता चला भाई कितना मजा है। तो भाई ये वाला है, चलो चलते हैं भाई, डेकोरेशन बहुत प्यारी है भाई। अपना कबड्डी का मैच देख रहे हैं, मैच देख के जाऊंगा मैं, 20 सेकंड का सोचा रहेगा, मतलब आपकी टीम जीत रही है। हाँ बिल्कुल, फिर बढ़िया है, यूपी योद्धा जीत गई। अच्छा यूपी की टीम जीती है, किशोरा तमिल से, तमिल तलाई वास भाई, यूपी टीम जीत गई कबड्डी का मैच, यूपी योद्धा स्कोर 38 तमिल तलाई में 24 क्या हो गया, बहुत बुरा आ रहा है, बिल्कुल बहुत बुरा आ रहा है, एक तरफा कर दिया है, तो जीत गए फिर तो भाई। चलो भाई चल रहे हैं अंदर, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, अभी तो मेरे को दोबारा जाना भाई गाड़ी लेके गाँव अपने। तो भाई फाइनली दोबारा आ चुका हूँ मैं अपने गांव वाली सड़क पर, ठीक है, ये वाली अपनी गांव वाली सड़क है, और मम्मी मम्मी जी को सब वहीं छोड़े हैं, तो अब यहाँ पर है चाची चाचा दीदी और तापसी, तो उन्हें लेके जाना है दोबारा, है ना। एक तो भाई यहाँ पर ना यूपी में मतलब इतनी सरकार चेंज हो गई, मतलब ये ननसार के रोड की बात कर रहा हूँ मैं, ये इतनी सरकार चेंज हो गई, प्रधान चेंज हो गए,
सेम भी चेंज हो गई, मतलब जो भी जैसा भी था, जो 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 नेता की पोस्ट होती है वो चेंज हो गई। लेकिन भाई यहाँ के सिंगल रोड है एक तो पहली चीज, सबसे दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत ये पहली कि सिंगल रोड है, दूसरी चीज ये कि सिंगल रोड दे भी रखे हैं, ठीक है, सिंगल रोड काफी पतले हैं यहाँ पर। और जो चलो ये तो गांव की सड़क होगी, चलो ये कोई बात नहीं, इस पर बड़े डंपर वंपर तेज स्पीड में गाड़ी नहीं चल रही, ये बाहर निकलोगे ना मेन रोड पर, भाई वहां पर एक लाइट ही नहीं है भाई, एक लाइट नहीं दिख सकती भाई साहब। और पता है क्या, अब आप जा मेरे, मैं जा रहा हूँ सिर्फ मेरी गाड़ी यहाँ पर तो मेरे को तो दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर सामने से कोई गाड़ी आ गई ना तो उसकी लाइट की रोशनी, हेडलाइट की रोशनी मेरी आंखों पर पड़ेगी, मेरी उसकी आंखों पर, मेरी गाड़ी की रोशनी उसकी आंखों पर, उसकी गाड़ी की रोशनी मेरी आंखों पर, ठीक है। तो जिस वजह से ना भाई कुछ दिखता नहीं है, बस भरोसे के लिए ही, मतलब भरोसा है कि हमें ऐसे चल रही है, हमने छोड़ दी गाड़ी कि सीधा जा रही है, अब सीधा कुछ सामने कुछ मिल जाए, मिल के जाए मतलब कि आ जाए कोई या कैसे भी करके, तो फिर हम कुछ मतलब ड्राइवर कर ही नहीं सकता कुछ, क्योंकि दिखते ही नहीं उसको कुछ। अब ये जा रहे हैं सीधा तो दिख रहा भाई, ठीक है, ये रोड दिख रहा आपको, ये टिप्पर कर दिए तो आगे तक दिख जाएगा, ठीक है। बट अगर सामने से कोई गाड़ी आएगी ना, मेरी आंखें ब्लैंक, कुछ नहीं दिखेगा, आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है। और सामने कोई साइकिल वाला जा रहा हो, जैसे साइकिल पे लाइट नहीं होती, बाइक पे लाइट जब लगती है, पीछे वाली लाइट जब जलती है जब ब्रेक मारता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मेरे को उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है, लाइट जा रही है यहीं तक दिख रहा है ना, तो ये चीज़ें भाई बहुत गलत है यूपी में, माँ कसम बहुत ज़्यादा गलत है। जिस वजह से ऐसा नहीं कि हादसे नहीं होते, हादसे बहुत होते हैं। आज हम बम लेके आ रहे थे ना, तो एक अंकल थे, यहाँ अंकल थे बाइक पे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था भाई, वो साइड में थे, लेटा रखा था। तो ये चीज़ें गलत हैं, फोन काला है, किसी का फोन आ रहा है भाई नंबर से, मैं एक बार फोन पर बात कर लूँ, फिर बाकी चलते हैं दीदी को लेते ना। तो फाइनली गाइस आ गए भाई अपने घर के बाहर, दीदी को ऐसे पिक करना है और चाचा को लेना है दूसरा ले घर से, चाचा चाची और नानी और तापसी को। ओहो कते में लोग दिख रहे हैं भैया, अरे घर पता है कि मेरे को तो घर ही नहीं पता रास्ता है उनका, पता है तेरे को? मेरे को नहीं पता। तेरे को नहीं पता? नहीं मैं गई नहीं, तुम ही लोग जाते हो। अच्छा भैया रास्ते नहीं पता हमें, देखते हैं भाई।
है भाई अपना। ब्लॉग बना लो ब्लॉग। देखो भाई जीप की ऐसी है, यहाँ पर जीप को देख लो। कब की भाई? 100 दब गया भैया। भाई अपना खाना भी डन हो चुका है, बारात चढ़ चुकी है। और भाई मैंने यहाँ पर मतलब ये भाई ने जो कराया ना गेस्ट हाउस, माँ कसम का गेस्ट हाउस कराओ भाई ने, जो भाई सजावट करवाई है भाई, डेकोरेशन करवाई है भाई। मैं कह रहा हूँ उस डेकोरेशन का भाई मैं मतलब दो उसका ना क्या ना वर्ड से मैं उसने डेडिकेट नहीं कर रखता, मतलब उसके लिए वर्ड क्या बताऊँ एग्जिस्ट नहीं करते। इतनी प्यारी इतनी चीज़, इतना प्यारा मैनेजमेंट कराया ना भाई ने। अभी मैं गाड़ी के डब्बे निकालने आया था भाई, इतना खतरनाक मैनेजमेंट करा भाई ने, खाना से लेकर एक चीज नहीं मतलब जैसे कोई कमी लिखाट सके, निकालने वाले तो खाली लिखाड़ेंगे। ये होम सेलिब्रेशन। हेलो ये भाई देखते रहो भाई तुम, ये दीदी और जीजा जी की फोटो और ये पूरी सेलिब्रेशन देखो भाई, सेलिब्रेशन कह रहा हूँ डेकोरेशन पीछे तक और ये लाइटिंग भाई बहुत तगड़ी कसम से। बट नहीं भाई इवेंट सामान दे दो फिर बताऊँगा भाई, पर खतरनाक रहा गाँव लोग देख रहे हो ना, सारी चीज़ एकदम प्यारी है भाई, इस चीज़ की कोई कमी नहीं भाई। ये थार बाकी मॉडिफाई। तो फाइनली गाइस दोबारा आ चुका हूँ मैं घर पे भाई, टाइम ना 11:30 हो रहा है, अभी छोड़ने आया था। अभी वहाँ कौन बचा है? बब्बू भाई, दिशांत भाई, चाचा, चाची, चंचल दीदी, मैं, आकाश भाई ने, विकेश भाई, केश भाई ने रोक रखा है कि भाई लेट जाओगे तो चक्कर में यही सोचा है। अभी मैं आया हूँ, अब दोबारा अब मैं अकेले जा रहा हूँ यहाँ से, अब देखते हैं चाचा बचा कब आएंगे। मैं तो खैर लेट ही आऊँगा, जब जब सब फेरे वेरे हो जाएंगे जब भी आऊँगा भाई के साथ ही रहूँगा मैं, तो खैर देखता हूँ मैं कितने बजे आऊँ। चाचा बचा गाड़ी से आ जाएंगे तो मैं भाई के साथ सुबह किसी से भी आ जाऊँगा, यहीं वैसे भी पास ही मैं, कोई भी आ जाएगा लेने आ तो, है ना। फिलहाल मैं बस यही है कि वहीं रुकूँगा मैं, खाना वाना तो मैंने खा लिया था। खैर अब सोता क्या है, अब कुछ नहीं, बैठना बैठने कॉफ़ी वॉफ़ी मिलती रहे अपने टाइम टाइम से, जगह रहूँगा मैं। अपना चार्जर मंगाया मैंने और एक रास्ते में जो हमारे यहाँ घर में डीजे बजाता है ना वो रास्ते में मिला था, उसकी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया तो वो बेचारा धक्का मार रहा था। तो अब मैंने बोली तो मनी से एक उसमें पेट्रोल दे देगा, क्योंकि यार यहाँ ना यार मैं कह रहा हूँ गाँव में कोई सुविधा नहीं है इतना, यूपी वैसे क्या बताऊँ। गाड़ी आ रही है, कौन रुक जाओ निकल जाएगी। ये वही थार है जो शादी में आई थी, ये वही शादी में आई थी ना थार जिसमें जीजे भी जाए थे, एंट्री इसी में करी थी। वाली गाड़ी जा रही है, गाड़ी ऐसे लेकर तो जानी चाहिए, यहाँ से ये निकल गई तो वो भी निकल ही जाएगी, एक मिनट रुक जाओ। तो ये सौदा भैया ना, बाकी पेट्रोल लेके जाऊँगा अगर दे दे तो निकाल के, और चार्जर लिया मैंने, चार्जर कौन ना पेट्रोल मिला गया यार, पेट्रोल की तो पूछ यार उससे, लेके आ जा रहा गया हूँ गया वो देने। तो ठीक है भाई अपना एक बार पेट्रोल ले लें और वो बंदा मिलेगा बीच में तो उसे पेट्रोल पकड़ा देंगे। अच्छा ये चार्जर मेरा, धन्यवाद। मैं बैंकुट में गेस्ट हाउस में चार्जिंग, मेरे फ़ोन में ऐसे भी 20% बैटरी बची है, आराम से जाइयो। ठीक है भाई चलो जैसा भी दिखाते हैं जो भी देखते देखते, ठीक है बढ़िया लग रहा हूँ, स्मार्ट लग रहा तुम्हारा भाई आज। मैंने स्काई शॉट फोड़े हाथ में तो ये शर्ट जल गई मेरी, ये दिख रही है, थोड़े कर्म कांडे बंदे, नई शर्ट जला दी मैंने, कोई बात नहीं चलो। अब पीछे पीछे से पता नहीं जली नहीं जली, लेकिन यहाँ से मेरे को दिख रही है जली, रफू करवा दूंगा नहीं तो ऐसी छोड़ दूंगा, बड़ी छोटी जली है। बाकी वीडियो ऐड करूंगा देखना, अगर देख लियो तो मैंने ऐड भी कर दिया शायद। तो भैया ये आ गया है, लेके आया पेट्रोल, लाया ये भैया पेट्रोल मंगाया था दारू के लिए आया। पेट्रोल ही है, माँ कसम पेट्रोल ही, माँ कसम भाई डीजे वाले का पेट्रोल खत्म हो गया, उसको पेट्रोल निकाल के तो ये तो वो ना इस बात से, इस चीज से ज्यादा खुश हो जाएगा भैया दारू है इसमें, तो वो तो ये सोच के खुश हो जाएगा इसमें दारू है। भाई रात के 12 बज रहे हैं इस टाइम, बताओ उसका पेट्रोल खत्म है। अबे चल पेट्रोल तो तू उसे दारू लग रही है, मैं कह रहा हूँ पता वो ना इस चीज से ज्यादा खुश हो जाएगा, अरे भैया तुम तो दारू लिया, मैंने पेट्रोल मांगा था साढ़े तो ये लगे तो वो बीच रास्ते में खड़ा। चलो भाई हाँ मैं भी निकलता हूँ ना, बता ठीक है, चल ध्यान दे, ठीक है डन, चलो भाई चलते हैं ना। हाँ भाई किसके पास? डीजे वाले के पास पेट्रोल दे तो था, मैंने चालू करवा ले यार, तार तार लगा ले हम अपना छुटा लेंगे फिर। क्या करना बता सोदा यार, तू चले जा बुला ले साले।
बात कर लो भैया ना। तो गाइस फाइनली आ गया अपना ब्याह करके, गाड़ी अंदर ही पार्क करती है। भैया भैया अगर सोने, मैं जा रहा हूँ छोटी मामी के। ओहो बड़ा क्रिटिकल मैटर है, गांव में ठंड तो हो गई है, मतलब उस हिसाब की नहीं जैसे नवंबर एंड होने वाला है ना, इस हिसाब की ठंड नहीं बड़ी। बंदे शर्ट में जा रहे हैं, जैसे मैं भी शर्ट में चले गया, मतलब ठंड नहीं लग रही, बस कानों पर लग रही है। क्यों बोलो, अंदर अंदर तो नहीं लग रही है ना। उम्मीद करता हूँ लोग अच्छा लगा होगा, अच्छा तो होगा आज के लोग में, बढ़िया था, इंटरेस्टिंग लोग था। ठीक है अब यार मैं गेट कैसे खुलाऊँ, अंदर अंदर हो गया पूरा। कोई नहीं, सो लोग कमेंट कर देते हैं, लाइक कमेंट शेयर, बाकी जिंदगी जीवन मजे में। लव यू ऑल, बाइक की कल की बरात है, और लव लोग जरूर देखना। ठीक है खुल रहा है क्या गेट? लगा पड़ा यार, देखना पड़ेगा। ठीक है कल मतलब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।